Hello friend, welcome to Nobel Tech Education. This is Vijay Teetwal. Aaj naya chapter start kar rahe hain Nobel JavaScript lesson first mein. Aaj hum topics cover karenge create JavaScript file, document.write function padhenge JavaScript ka with HTML tag ke saath. Now start karte hain. Open notepad. Create a HTML file. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नोटपैड का यूज करें फॉर बिगनर्स के लिए. ओके और लाइव प्रैक्टिकल के साथ हम ये आज पूरा पूरा देखेंगे. नाउ this is my channel name. JavaScript का use HTML में head और body दोनों में किया जाता है. आज हम दोनों में इसका use देखेंगे. so now हम देखते हैं use. first आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं एंड उसे क्लोज भी करते हैं. ठीक है. सो अभी आज हम पढ़ेंगे ओके नाउ डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRITE This is first lesson. Okay. Now second मैं ये अभी बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. मैं बॉडी टैग में img टैग यूज कर रहा हूं html का. मैंने एक फाइल बनाई हुई है jpg के नाम से, एक पिक है जो मैंने यूज की है. मैं एक br टैग भी यूज कर रहा हूं. अब मैं यहां जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर रहा हूं. मैंने बताया था आपको कि जावास्क्रिप्ट को आप बॉडी और हेड दोनों में यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं. ठीक है. देखिएगा मैंने अभी जो img यूज किया है बॉडी टैग html में वही मैं स्क्रिप्ट में भी यूज करूंगा. तो देखिएगा सेम रिजल्ट आपको मिलेगा. यानी बहुत इजी है करना, आप भी कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिएगा मैं अभी ये कोड पूरा एक्सप्लेन करूंगा. मैं आपको ये यहां क्या हो रहा है इस कोड के अंदर. ओके मैं यहां पे सिंगुलर यूज कर रहा हूं इनवर्ट कोटेशन, क्योंकि रूल ये कहता है जब आप ये बाहर कोटेशन डबल कोटेशन यूज होते तो अंदर जितने भी कोटेशन यूज होंगे वो सिंगल यूज होंगे. ओके देन नाउ हम इसको सेव करते हैं. डेस्कटॉप पे मैं एक फाइल सेव कर रहा हूं test.html एंड देन सेव नाउ. ओके देन इस फाइल को रन करते हैं.
अपन विद गूगल क्रोम। तो देखिएगा यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा, कुछ आउटपुट मिल रहा है। इस आउटपुट में ये कह रहा है, ये देखिए दिस इज फर्स्ट लेसन, दिस इज फर्स्ट लेसन, और यहाँ पे दो इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, मैं अब इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए हमने HTML स्टार्ट किया HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए, ओके। हमने हेड में लिखा नोबल टेक एजुकेशन, तो देखिएगा यहाँ पे नोबल टेक एजुकेशन शो कर रहा है। हेड में हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और देन स्क्रिप्ट क्लोज किया, ठीक है। तो हमने यहाँ दो चीजें लिखी, पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और दूसरा लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट विद HTML टैग के साथ। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जब भी आप इस डबल कोटेशन के अंदर कोई भी वर्ड या करेक्टर लिखते हो वो एज ए स्ट्रिंग रीड होता है, और HTML, और यहाँ मैंने HTML यू यूज किया, टैग यू यूज किया JavaScript फंक्शन में। तो देखिएगा जब भी आप HTML के टैग यूज करते हैं JavaScript में, तो आप डबल कोटेशन में भी वो लिखे जाते हैं, ओके। ये तो था अभी हेड का, कि हमने अभी हेड के बारे में पढ़ा, ठीक है, हेड हेड में JavaScript कैसे यूज होता है। अब बॉडी टैग में, बॉडी टैग में JavaScript कैसे यूज होता है अब वो भी देखिए। देखिएगा मैंने यहाँ पे img लगाया, ये img आपको पता है इमेज है, इमेज टैग है जो इमेज डिस्प्ले कराता है, तो मैंने इमेज टैग यूज किया src एट्रीब्यूट के साथ। देन a.jpg मैंने एक फाइल है यहाँ पे, जो मैंने मेरी पिक है उसकी मैंने फाइल का नाम दिया हुआ है। दूसरा मैंने इसी सेम आउटपुट को मैंने JavaScript के थ्रू प्रिंट कराया है बॉडी टैग पे भी। देखिएगा स्क्रिप्ट मैंने यू ओपन किया, क्लोज किया, देन वहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, देन img टैग html का, देन a.jpg। मैंने यहाँ पे एक चेंजेस किए हैं, आप वो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक चीज की है। यहाँ पे और जगह देखिएगा डबल कोटेशन यूज हो रहा है एक ही बार, बाकी अंदर सिंपल है। ध्यान रखिएगा जब भी डबल कोटेशन यूज होता है अंदर, और अंदर कोई ऐसा टैग है जो कोटेशन कंटेन करता है, जैसे ये कर रहा है src वैल्यू और वैल्यू दे रहे हैं हम, और वो कोटेशन कंटेन कर रहा है, तो वहां पे हम सिंगल कोटेशन यूज करेंगे जब मेन डबल कोटेशन यूज हो रहा हो, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने बाहर अगर सिंगल कोटेशन लगाया है, ओके, अक्सर ये लोग गलती कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे हम इसे सॉल्व करें, इसको नजरअंदाज करते, बहुत छोटा सा माइनर सा ये पॉइंट है, समझना अंडरस्टैंड है, नहीं तो ये अगर आप इसको भूल जाएंगे तो पूरा का पूरा आपका कोड गलत हो जाएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ, तो देखिएगा तब भी देखिएगा सेम आउटपुट आपको मिलेगा। तो यानी ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि कैसे इसका यूज होता है। सो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी नेक्स्ट लेसन में। So thanks for watching this video and don't forget to subscribe this channel, and इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वायरी है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ओके, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी मेरे वीडियोस अपलोडेड आपको मिलेंगे, ओके, थैंक यू।